हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक है दैट इज सॉफ्टिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। यस, पानी यदि हार्ड है, और हम जान चुके हैं लास्ट वीडियो में कि पानी हार्ड है तो क्यों है, रीजन क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब यदि पानी जो हार्ड है वो भाई हार्ड वाटर किसी भी काम का नहीं होता है, ना ही इंडस्ट्रियल पर्पज में हम इसको यूज कर सकते हैं और ना ही हम डोमेस्टिक पर्पज में यूज कर सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा पानी को सॉफ्ट। और सॉफ्ट करने की दो प्रोसेस होती है बच्चों, एक होता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है इंटरनल ट्रीटमेंट। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या प्रोसेस है। सॉफ्टिंग ऑफ वाटर बच्चों क्या है? पानी यदि हार्ड है तो भाई सॉफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वाटर ना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ना इंडस्ट्रियल पर्पज पे अच्छा है, ना ही हम देखें तो घर के किसी काम में ही वो काम का रहेगा। तो वाटर यदि हार्ड है तो वो हमारे काम का नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि अर्थ पे पानी तो वैसे ही बहुत कम क्वांटिटी में है, और उसमें यदि पानी हार्ड हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो पानी को सॉफ्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो पानी को अपने को जब सॉफ्ट करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है। तो पहले तो हम याद जानेंगे बच्चों कि व्हाट इज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, एंड देन हम फिर जानेंगे कि भाई हमें यहाँ शैम्पू भी करना है और कंडीशनिंग भी करनी है। ये कैसे आ गया शैम्पू और कंडीशनिंग, मैडम ये क्या करने वाली है? तो मैं ये भी आपको आज बता दूंगी। देखिए, पहले हम जानेंगे कि क्या है सॉफ्टनिंग। स्लाइड पे आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। यदि हम बात करें सॉफ्टनिंग प्रोसेस की, तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस जो होती है वो कब यूज की जाती है? ये प्रोसेस तब यूज की जाती है जब पानी हार्ड होता है। ये सीधे लिखा हुआ है द प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? तो यहाँ पे बच्चों देखिए लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है, जितने भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट हैं उनको हमें पानी से क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। और आपको मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट क्या क्या है। हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट में सॉल्ट ऑफ कैल्शियम है, सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम है और अदर हैवी मेटल आयंस है। तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा? इन सभी को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जब आप इनको रिमूव कर देंगे तो पानी कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। इन्हें लायक तो नहीं रहेगा, लेकिन और सारे कामों में ये बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकेगा। तो अब हम जानते हैं कि क्या भाई हुआ, क्या कैसे हम इस प्रोसेस को करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इज वेरी इसेंशियल प्रोसेस फॉर हार्ड वाटर। पानी को हार्ड, जो पानी हमारा हार्ड है उसको सॉफ्ट करने के लिए बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है। वेन इट इज नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक के लिए भी काम का नहीं रहेगा, इवन ये इंडस्ट्रियल यूज में भी काम का बच्चों नहीं रहेगा। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केल फॉर्मेशन, स्लज फॉर्मेशन, ऑल्सो फॉर कोरोजन ऑफ बॉयलर। अब आप कहेंगे मैडम वॉट इज बॉयलर? बॉयलर प्रॉब्लम भी मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। देखिए इंडस्ट्रियल पर्पज में भी हम बात करें तो फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमें बॉयलर में पानी डाल के इसको क्या करते हैं? बॉइल किया जाता है, तभी तो वह स्टीम में कन्वर्ट होगा। और यदि पानी बहुत हार्ड है बच्चों तो बॉयलर में कई तरीके की प्रॉब्लम आएगी, स्केल की प्रॉब्लम, स्लज की प्रॉब्लम, कोरोजन की प्रॉब्लम, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट की प्रॉब्लम, ऐसी कई तरीके की बॉयलर में प्रॉब्लम आने लगेगी। इस कारण से पानी को पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सॉफ्ट करना पड़ेगा। अब पानी जो है हमारा वो हम यदि सॉफ्ट करेंगे तो क्या है वो हमारे लिए इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज हो सकेगा, डोमेस्टिक पर्पज में, इवन म्यूनिसिपल पर्पज में भी यदि हम बात करें कहीं ना कहीं हम उसको यूज कर पाएंगे। तो अब रीजन क्या है कैसे हम वाटर की सॉफ्टिंग को करेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नाम दिए हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है, आप देखेंगे लाइम सोडा प्रोसेस दिख रही है, प्योलाइट प्रोसेस दिख रही है, आपको आयन एक्सचेंज प्रोसेस दिख रही है। लेकिन बच्चों आपको सिर्फ ये नाम पे ध्यान नहीं जाना है, आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ। जब पानी हार्ड आता है, नदियों से पानी आ रहा है, जहां से भी पानी आ रहा है वो पानी हार्ड है हमारा। जब पानी वो हार्ड होता है तो हमें उसे करना पड़ेगा सॉफ्ट, क्योंकि जब हम सॉफ्ट नहीं कर पाएंगे तो वो कहीं भी किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो पानी को हार्ड से सॉफ्ट करने के दो तरीके होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, मेरे बाल या आप सभी के हेयर्स जो होते हैं वो कभी गंदे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो आप क्या करते हो? शैम्पू करते हो ना। हाँ जी, आपको यदि मैं बोलूँ शैम्पू मत करो कंडीशनिंग कर लो तो क्या आप करोगे? तो बोलो कि क्या मैम आप क्या बोल रही है, विदाउट डूइंग शैम्पू हाउ वी कैन डू कंडीशनिंग? कंडीशनिंग तो सिर्फ शाइनिंग के लिए होता है,
पानी को हमारे बालों को साफ थोड़ी कर देगा। हाँ जी, ऐसा ही पानी के साथ होता है कि पानी में एक शैम्पू वाली कंडीशन रहती है और एक कंडीशनिंग वाली रहती है। शैम्पू मतलब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग मतलब इंटरनल ट्रीटमेंट। शैम्पू मतलब बॉयलर में पानी जाने से पहले का ट्रीटमेंट, मतलब शैम्पू हम तब करेंगे जब हम पानी को सॉफ्ट करना चाह रहे हैं, तो मतलब हम पानी को पूरा साफ करने के लिए शैम्पू करेंगे। और शैम्पू करने के बाद हम उस पानी को क्या करेंगे, बॉयलर में डालेंगे और अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे। जैसे कि हम अपने हेयर में करते हैं पहले शैम्पू फिर कंडीशनिंग फॉर शाइनिंग। तो आप कहेंगे मैडम ये शैम्पू शैम्पू क्या है, शैम्पू कुछ नहीं है, इट इज इसमें मतलब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लगाएंगे। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लाइक हम शैम्पू कर रहे हैं, बालों में बाल साफ हो जाते हैं, वैसे ही हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लगाते हैं। उन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में बच्चों देखिए ये नाम आता है लाइम सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, प्योराइड प्रोसेस जिसको हम परम्यूटेड प्रोसेस भी बोलते हैं, और आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में अलग से भी पूछे जाते हैं, चाहे प्राइवेट एग्जाम, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो, सभी में ये पूछे जाते हैं। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, जिसको तरीके से हम जैसे बालों में शैम्पू करते हैं वैसे ही एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लगाया जाता है बॉयलर में पानी को डालने से पहले। ये ट्रीटमेंट करने के बाद अब प्रोसेस होती है कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग का मतलब होता है बच्चों इंटरनल ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट मतलब इनसाइड द बॉयलर। यस, बॉयलर में जब हम डाल देते हैं पानी को, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तब कुछ कंडीशनिंग की जाती है। उन कंडीशनिंग के नाम है कार्बोनेट कंडीशनिंग, सिलिकॉन कंडीशनिंग, फॉस्फेट कंडीशनिंग, आपने नाम सुना होगा कोलोइडल कंडीशनिंग। ये चारों कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंडीशनिंग इनसाइड द बॉयलर किया जाता है। पानी में थोड़ी बहुत भी कमी होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल पर्पज में हम वेरी इजिली यूज कर पाते हैं। तो आज आप सॉफ्टनिंग की प्रोसेस समझ चुके होंगे कि व्हाट इज सॉफ्टनिंग की प्रोसेस। सॉफ्टनिंग की प्रोसेस क्या है बच्चों, सॉफ्टनिंग की प्रोसेस ये है जिसमें हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट लगाते हैं। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट आउटसाइड द बॉयलर लाइक शैम्पू करना, और इंटरनल ट्रीटमेंट इनसाइड द बॉयलर मतलब की कंडीशनिंग करना। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, पानी को सॉफ्ट करते हैं। अब आगे बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सॉफ्टनिंग की, ये प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। तो मेरी नेक्स्ट प्रोसेस आने वाली है लाइम सोडा प्रोसेस। हाँ जी, लाइम सोडा प्रोसेस के थ्रू आप कैसे सॉफ्टिंग करते हैं हम इस चीज। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा प्यारे बच्चों। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके जरूर रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम वाले हैं। मिशन अपने को अच्छे तरीके से करनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।